वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इरिगेशन टैंक के बारे में बात करेंगे। वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने का दो तरीका होता है। एक होता है एरोबिक ट्रीटमेंट, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि दूसरा होता है एनएरोबिक ट्रीटमेंट, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे इस वीडियो में हम एरोबिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। एरोबिक ट्रीटमेंट में हम एरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से वेस्ट वाटर में जो भी टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसका हम रिमूवल करते हैं और वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होती है बहुत लंबी होती है। इसमें वेस्ट वाटर जो होता है बहुत सारे टैंक के थ्रू पास होता है, और हर टैंक में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या क्या प्रोसेस होगी, ये स्पेसिफिक होता है। तो वेस्ट वाटर में बहुत सारे टैंक होते हैं, जैसे इक्वलाइजेशन टैंक होता है, बफर टैंक होता है, USBR होता है, एरिएशन टैंक होता है, क्लेरिफायर होता है, फिल्टर होता है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इन्फ्लुएंट जो होता है बहुत सारे टैंक होकर पास होगा, और हर एक टैंक में कुछ ना कुछ वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम केवल एरिएशन टैंक के बारे में बात करेंगे कि एरिएशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम फुली एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एरिएशन टैंक क्या होता है। एरिएशन टैंक वेस्ट वाटर के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जहां वेस्ट वाटर इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट होने के लिए स्टेबलाइज होता है। ये देखिए, ये वेस्ट एरिएशन टैंक की पिक्चर है। एरिएशन टैंक में वेस्ट वाटर का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक टाइप का सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। एरिएशन टैंक में वेस्ट वाटर में प्रेजेंट जो भी सॉल्युबल कंटामिनेंट होते हैं, टॉक्सिक केमिकल होते हैं, हार्मफुल पैथोजन होते हैं, उसका एरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से उसका हम रिमूवल करते हैं। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में स्लज को रिमूव करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो इसमें हम देखेंगे एरिएशन टैंक में कैसे स्लज को रिमूव किया जाता है, और कैसे क्या एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होती है, और इसका क्या रोल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एरिएशन टैंक में यह एक बड़ा टैंक होता है, जिसमें एयर, वाटर और माइक्रोब को ऐड किया जाता है। एयर इसलिए ऐड करते हैं कि इसमें एरोबिक माइक्रोब होते हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें वेस्ट वाटर को ऐड करते हैं, और यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जिस वेस्ट वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और स्लज का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम रिमूव कर सकते हैं, जिसे रिमूव कर लिया जाता है। एरिएशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब एरिएशन टैंक में ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड की जाती है एरोबिक बैक्टीरिया के लिए? तो एरिएशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया को एयर ब्लोअर की हेल्प से ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, और वेस्ट वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, जैसे कार्बन सोर्स जो भी प्रेजेंट होगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन हो जाता है। इसके अलावा एक्टिवेटेड स्लज भी प्रोड्यूस हो। ये देखिए, इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि ये लेफ्ट साइड में एयर ब्लोअर बना है, जो एरिएशन टैंक में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे जो डायग्राम शो किया गया है, इसमें एरिएशन टैंक की फुल प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एरिएशन टैंक को शो किया गया है, जबकि राइट साइड में यह एरिएशन टैंक की प्रोसेस को शो किया गया है। इस इमेज में यहाँ पे लेफ्ट साइड में एरिएशन टैंक को शो किया गया है, जिसको एक्टिवेटेड स्लज टैंक बोलते हैं, और राइट साइड में क्लेरिफायर को शो किया गया है। एरिएशन टैंक में सप्लाई जहाँ लिखा है, यहाँ से वेस्ट वाटर इंटर करती है, और इसमें एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और नीचे से यहाँ से एयर निकल रही है। तो एरोबिक बैक्टीरिया वेस्ट वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उसको ब्रेकडाउन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में,
और स्लज प्रोड्यूस होती है जिसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लज ऊपर की तरफ मूव करती है और यहाँ क्लेरिफायर में चली जाती है और यहाँ पे स्लज का सेडिमेंटेशन होता है और यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज को हम रिटर्न इसमें एरिएशन टैंक में भेज सकते हैं और जब स्लज का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो ये एक्सेस स्लज के रूप में इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। एक्टिवेटेड स्लज को इसलिए भेजते हैं कि इसमें एक्टिवेटेड माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा एरिएशन टैंक में पीएच, टेम्परेचर, स्लज सेटलिंग वॉल्यूम, डिजॉल्व ऑक्सीजन, एमएलएसएस, ये जो होते हैं वाटर के पैरामीटर होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग हम करते रहते हैं। हम ये देखते हैं कितना पीएच इसके लिए रिक्वायरमेंट है, कितना इसकी स्लज सेटलिंग वॉल्यूम चाहिए, कितना इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा हम बैक्टीरिया को, एरोबिक बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करने के लिए कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स जैसे यूरिया है, फास्फोरस सोर्स जैसे डीएपी है, इसको भी हम टैंक में मिलाते रहते हैं जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ इंक्रीज करती है, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। ये देखिए यहाँ पिक दिखाई गई है एरिएशन टैंक की। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।